आंगनवाड़ी वर्कर्स के सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज से करनाल में महापड़ाव शुरू कर दिया। इसमें भाग लेने के लिए राज्य के अलग अलग कोनों से हजारों कार्यकर्ता करनाल पहुंची। आज दोपहर हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो करनाल के सेक्टर 12 में डटी रहेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी ने बताया कि वर्कर्स की कोई नई मांग नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 6 मार्च 2018 को ऐलान किया और वो सरकार से अपना उधार मांग रही हैं। उषा रानी ने कहा कि अब करनाल में महापड़ाव शुरू किया गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हक के लिए लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। और मैं पानीपत यूनियन की प्रधान हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मोदी जी ने और खट्टर जी ने, भाजपा सरकार ने आज इतनी माँ बहनों को अपनी दुखी कर दिया कि 2 महीने होकर 3रा महीना लग गया और उन्होंने हमें सड़कों पर बिठा दिया। हमारे बच्चे रोटी नहीं खा रहे, उनको टाइम से कुछ नहीं मिल रहा। मैं खट्टर सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि खट्टर सरकार, तुमने हमें जो कुछ बोला गया था, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था, हम उसी को मांग रहे हैं। हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। हम पिछले 70 दिन से बैठे हैं हड़ताल पे, उसके बाद भी आज हमें यहाँ सीएम साहब ने बैठने पे मजबूर किया है। हमने कल भी करनाल के जो एसपी साहब हैं उनसे कल भी हमने बात की, परसों भी हमने बात की, भाई आप, हम बैठना नहीं चाहते, हम आना नहीं चाहते, हम बिल्कुल करनाल में नहीं आना चाहते थे। हमें मजबूर किया गया है क्योंकि अगर सरकार अपनी हरदर्मिता पाड़ी रहेगी, वर्करों के 2018 में खुद सीएम साहब ने घोषणा की, खुद प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं और फिर 4 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने तो आवेश में बोल दिया था, तो ये क्या साइन करने की बात है? और जो हरियाणा का मालिक है, जिसको हम हरियाणा का राजा बोलते हैं, क्या उनके मुंह से ये ऐसी बातें शोभा देती हैं? किसने उनको सीएम? हमारी मांगे हैं एक तो कुशल और कुशल का, जो सीएम साहब ने खुद कहा था 2018 में, और डीए की किस्त जो हमारी 2 लगा के चुप करके बैठ गए हैं वो हमारी एरियर समेत दे 2018 से 1500-1750। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं 6 मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्करों को अर्ध कुशल अकुशल की श्रेणी का मानदेय मिलेगा और इसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने 2 किस्त महंगाई भत्ते की भी 2019 में दी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार इस निर्णय से पीछे हट रही है। उनकी कोई नई मांग नहीं है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 6 मार्च 2018 को विधानसभा में ऐलान किया और जो 11 सितंबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में ऐलान किया और जिसका जियो आ चुका है देश के अंदर और देश के सभी राज्यों में, वो पैसा मिल चुका है। हम अपना उधार मांग रहे हैं जो हरियाणा सरकार की ओर पिछली 4 साल से ड्यू है। क्या कहना चाहेंगे, अब अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति अब यहीं पे महापड़ाव डालेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि संघर्ष है लगातार और सरकार ने दमनकारी नीतियों को सिरे पे पहुंचाया हुआ है। इस संघर्ष के दौरान हमारी 400 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं, 70 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट किया जा चुका है और बीच में सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए एक गद्दारी भत्ता की, जो आंदोलन में भाग नहीं लेंगी उनको 1000 रुपये मानदेय बढ़ाया जाएगा, ऐसा ऑर्डर भी किया था हरियाणा राज्य की। हमारी मांग तो यही है कि जो ऐलान किया मुख्यमंत्री ने और जो ऐलान किया प्रधानमंत्री ने उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और 45 साल स्कीम में काम करते हुए हो गए ऐसी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को रिटायरमेंट के समय एक अच्छी ग्रेजुएटी, एक्सग्रेसिया और पेंशन का प्रबंध किया जाए। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर काफी वक्त से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार की तरफ से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो अब करनाल से सरकार को जगाने के लिए अपने आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।